हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सवाल संडे। तो इस वीक मुझे इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस मिले हैं एंड आई एम स्टार्टिंग विद सम ऑफ देम। फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम रोशन। सर, यूएस से कोई मशीन या गुड्स परचेज करे हैं फॉर बिजनेस पर्पस, तो क्या एसएससी को टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए या नहीं, बिकॉज पेमेंट इज बीइंग मेड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर हमने यूएस से कोई गुड्स या मशीन परचेज करी है तो टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं। द आंसर इज नो, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एक प्राइमर फेस है, ये बात सबको समझनी होगी। एक फर्स्ट थिंग है जो प्राइमर फेस ही हमें देखनी होती है, टीडीएस के प्रोविजंस होंगे या नहीं होंगे। ऑल्दो चैप्टर 17 बी लगता है उसके ऊपर, उसको हिसाब से हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बिल्कुल बेसिक बात है, टीडीएस के प्रोविजंस तभी लग सकते हैं अगर कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो, यानी कि वो इनकम इंडिया में अराइज हो। इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट या फिर वो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, सो वी कैनॉट डिडक्ट टीडीएस। अगर आपने यूएस से कोई मशीन खरीदी है तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो हम उस पर टीडीएस के प्रोविजंस तो लगा ही नहीं पाएंगे। सबको बात समझ में आती है। आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। लेट्स से यू आर बेस्ड इन पुणे एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आपके पास जाता हूँ और वो पुणे में आपकी शॉप पर कुछ गुड्स खरीदता हूँ, तो प्लीज़ बताइए इनकम कहाँ पर अराइज हुई, दिल्ली में या पुणे में। द आंसर इज पुणे में, आपने तो वो पुणे से चीज़ें बेच दी ना, तो वो इनकम कभी भी दिल्ली में टैक्सेबल नहीं होगी। सिमिलरली, जब अगर आपने यूएस से कुछ मशीन खरीदी है तो वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है इंडिया में। हाँ, अगर आपने कोई मशीन बेची है उसके बाद आप उसके ऊपर सर्विसेज भी मुझे देते हैं, टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं, एंड माय मशीन इज लोकेटेड इन इंडिया, उस केस में हाँ वो इनकम इंडिया में राइज है और उसके ऊपर टीडीएस के भी प्रोविजंस हैं। बट टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर हमने यूएस से कोई मशीन या गुड्स खरीदे हैं तो क्या हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, द आंसर इज प्योरली नो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम पार्थ। ओके, टीडीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, सेक्शन 194IC। मैं आपको बता दूं सेक्शन 194 I कैपिटल सी होता क्या है। जब भी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, याद आ गया, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैपिटल गेन में सेक्शन 45(5) है। ओके, वहां पर क्या होता था, जो लैंड ओनर अपना लैंड या पुराना घर बिल्डर को दे देता था और बिल्डर उसको बदले में कुछ कैश प्लस उसको बिल्डअप करके देता था कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। टीडीएस डिडक्ट होता है, बट ओनली जितना बिल्डर ने कैश अमाउंट दिया है। द रेट इज 10% ओवर देयर 194IC में। तो क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 194IC रिलेटेड विद सेक्शन 45(5) है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का है। अभी इसमें पार्ट पेमेंट काइंड में है और पार्ट इन कैश, तो ओनली कैश पर टीडीएस लगेगा क्या? द आंसर इज येस, सिर्फ कैश पर लगेगा, पूरे अमाउंट पर नहीं लगेगा। पूरा अमाउंट लिखा हुआ है एसडीवी प्लस कैश, एसडीवी होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस कैश, नहीं, सिर्फ जो कैश कंपोनेंट है उसी के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस है एंड द रेट इज 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम पवन सारस्वत। सर, अगर रिलेटिव पर्सन जैसे फादर अपने सन को कोई कैपिटल एसेट लाइक हाउस सेल करता है विद कंसिडरेशन, देन कैपिटल गेन लायबिलिटी विल अराइज और नॉट। ओके, देखो ये तो सब लोग जानते हैं कि अगर फादर कोई भी असेट अपने बच्चों को गिफ्ट में दे देता है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होता, ये तो सब लोग जानते हैं। सेक्शन 47 ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली फादर ने अपना जो घर था वो गिफ्ट में नहीं दिया, बट एक्चुअली बेचा, वो एक्चुअली बेचा अपने सन को और सन ने उसकी कंसिडरेशन फादर को दी है, तो क्या कैपिटल गेन अराइज होगा या नहीं होगा? ओके पवन, इस आंसर क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से आंसर करूंगा, एक तो थ्योरेटिकली और एक प्रैक्टिकली। पहले थ्योरेटिकली करता हूं, जो आप एग्जाम में लिखेंगे, तो द आंसर इज यस, कैपिटल गेन अराइज होगा। दिस इज अ थ्योरेटिकल आंसर। अगर ये मेरे पास आते हैं तो प्रैक्टिकली मैं इनको एडवाइस ये नहीं दूंगा, बट थ्योरेटिकली ये एडवाइस है कि कैपिटल गेन अराइज होगा। तो इस केस में तो एक नॉर्मल सेल हो रही है, अगर फादर अपने बेटे को भी बेच रहा है, द फादर इज सेलिंग टू हिज सन एंड गेटिंग द कंसिडरेशन, तो इसके ऊपर नॉर्मल सेल मानते हुए कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, बट दैट इज वेरी थ्योरेटिकल आंसर। प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैं कभी भी इनके ऊपर टैक्स कैपिटल गेन नहीं लगने दूंगा, बिकॉज क्यों, फॉर एग्जांपल अगर सन कुछ कंसिडरेशन दे रहा है
हम जानते हैं कंसिडरेशन कहां पर देगा, बैंक अकाउंट में देगा ना फादर के, पर फादर इनको अपना लैंड या हाउस दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकली हम लोग इसको कैसे शो करेंगे, सन ने जब कंसिडरेशन दी, देखिए हम उसको क्यों बोल रहे हैं कंसिडरेशन, सन ने जो भी पैसे ट्रांसफर करे हैं अपने फादर के बैंक अकाउंट में, इट इज रिगार्डेड एज अ गिफ्ट इन द हैंड्स ऑफ फादर, और क्योंकि वो अपने रिलेटेड पर्सन से ले रहा है तो वो गिफ्ट भी एग्जेम्प्ट है। और सेकेंड सिनेरियो में जब फादर अपने सन को दे रहा है ये चीजें, कोई कोई भी कैपिटल एसेट या कुछ भी चीजें, तो वो सन के हाथों में भी एज अ गिफ्ट ही लेंगे, तो टैक्सेबल नहीं करना चाहिए। दिस इज अ प्रैक्टिकल आंसर, ठीक है, बट थ्योरेटिकल आंसर है आपका कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ओके ठीक है भवन, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम देवशीष। हाय देवशीष, वन एम्प्लॉई गेटिंग अ कार फैसिलिटी ऑफ 1600 cc, ओके मतलब बड़ी कार नहीं है, छोटी कार है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर up to 15 September 2009 and then he purchased a Honda City 1400 cc used for both official and personal purpose and employee reimburse a sum of 10,000 per month with driver. How can I compute perquisites in case car facility we ignore part of the month? Kindly guide. Okay. Devashish ka question ye hai ki hame na 15 September tak एम्प्लॉयर ने अपनी गाड़ी दी है 1600 cc की, पार्टली यूज होती है, तो उसको टैक्सेबल कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है ये तो सब लोग कर लेंगे, 15 सितंबर तक दी है तो आप मंथ काउंट करना शुरू करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पार्ट ऑफ द मंथ हो रहा है, तो पार्ट ऑफ द मंथ को हम इग्नोर करते हैं इस केस में, तो 5 months बनेंगे, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, वो खर्चा कर रहा है, बिकॉज वी नो देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट 1800, ठीक है, या 2400, 1600 सीसी की कार है तो इट वुड बी 1800 पर मंथ, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है देवशीष आपका 1800 इनटू 5 months के लिए, 5 समझ गए ना, क्योंकि सितंबर का ना पार्ट ऑफ द मंथ आ रहा है तो उसको इग्नोर कर देंगे, तो 1800 रुपीज इनटू 5 करके तो पहला वाला पार्ट हो जाएगा। बाद में जब इंप्लॉई ने अपनी गाड़ी ले ली है, नाउ द कार इज ओन्ड बाय द इंप्लॉई, ठीक है, उस केस में एम्प्लॉयर उनको रीइंबर्स करता है 10,000 rupees। इसमें हमें पता है कि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जितना भी एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है उसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट क्या है वो, अगर वो छोटी गाड़ी है तो 1800 और ड्राइवर है तो 900 और माइनस करेंगे, मतलब 2700 माइनस करेंगे। तो जो सेकेंड पार्ट है आपका 10,000 माइनस 2700 करिएगा पर मंथ के, कितने मंथ लेने हैं, फिर वहां पर ही पार्ट ऑफ द मंथ को हम इग्नोर करते हैं और यहाँ हम यहाँ से डेट वाइज काउंट करना शुरू करेंगे। तो आपने मुझे बोला है कि 15 सितंबर तक तो पुरानी वाली गाड़ी थी और 16 सितंबर से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नई कार आ गई, तो 16 सितंबर से आप मंथ काउंट करना शुरू करेंगे, अगर कोई पार्ट ऑफ द मंथ आ जाता है तो उसको इग्नोर कर देना। तो मंथ कैसे, मुझे लगता है कि आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूँ सिंपल है, 10,000 माइनस 2700 क्योंकि ड्राइवर भी 1800 प्लस 900 2700 माइनस कर लीजिएगा, मंथ्स आएंगे 16 सितंबर से काउंट करना शुरू करना, 16 सितंबर से 15th अक्टूबर, 15th नवंबर, 15th दिसंबर, 15th जनवरी, 15th मार्च, तो यहां पर आपके बनेंगे 5 months ही बने ना, 16 सितंबर से 15th अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके 6 महीने बने, 6 महीने बने, फिर जो 16 मार्च के बाद आ रहा है वो भी पार्ट ऑफ द मंथ में निकल जाएगा। तो सेकंड वाले सिनेरियो में आपके बने हैं 6 months, तो सेकंड सिनेरियो कितना टैक्सेबल होगा, 10,000 माइनस 2700 आपका आया शायद 7300 आएगा, 7300 इंटू 6, तो ये आपके सेकंड पार्ट की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम रोशन कुमार चौधरी, ओके हाय रोशन, सर देयर इज वन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड रिसीव्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 2000 पर मंथ, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, सब लोग जानते हैं, इसमें सेक्शन 16 की डिडक्शन भी मिलती है, ठीक है, वो 3 याद है ना, 1/5 ऑफ सैलरी, ठीक है, 5000 एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, बोला गया है कि 2000 पर मंथ ओनली फॉर 4 months, ओके देन वाइल गिविंग डिडक्शन ऑफ सेक्शन 16, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी टू बी टेकन फॉर 4 months और 12 months, 4 months। क्वेश्चन ये है कि एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उनको 2000 पर मंथ का एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है सिर्फ 4 महीने के लिए,
तो जब डिडक्शन देंगे तो क्या फिर पूरे 12 महीने की लेनी है? नहीं नहीं, पूरे 12 महीने कभी नहीं लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जब भी आप परक्यूजिट्स की कैलकुलेशन कर रहे हो तो जितना पीरियड का परक्यूजिट मिला है उतने पीरियड की सैलरी ली जाएगी। या यहाँ पर आप अलाउंस में डिडक्शन दे रहे हो तो 4 महीने का अलाउंस मिला है, 4 महीने की इनकम मिली है तो 4 महीने के हिसाब से ही डिडक्शन मिलेगी। तो इसमें क्या करोगे, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी जब लोगे तो सिर्फ उसी 4 महीने की लीजिएगा। तीनों लिमिट याद है आपको, सेक्शन 16 में जब एंटरटेनमेंट अलाउंस देते हैं तो फर्स्ट होता है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो यहाँ पे 2000 पर मंथ के हिसाब से 4 महीने का बनेगा 8000, तो 2000 × 4 = 8000। 1/5 ऑफ बेसिक, 4 महीने की बेसिक, और लास्ट वाली है वो 5000 लिमिट फिक्स्ड है, वो पर एनम नहीं है, वो पर मंथ नहीं है, वो 5000 फिक्स्ड है। तो थर्ड वाली लिमिट तो 5000 ही रहेगी, ठीक है। तो आप इस हिसाब से करिएगा टू आंसर योर क्वेश्चन, सिर्फ 4 महीने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम पार्थ। हाय पार्थ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021, अच्छा दोनों पूछ लिए। यहाँ पर ना एक छोटा सा चेंज आया है, आपको पता है कि इस साल से अमेंडमेंट आई है फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब आप दो सेल्फ, एक इंडिविजुअली HUF आज दो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की NAV जीरो ले सकता है, ठीक है। पहले ये था कि एक ही घर की ले सकते थे, बट नाउ इट इज अप टू 2 houses, उसके पास ऑप्शन है, वो दो घर के अगर है उसके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड तो वो दोनों घर की NAV निल ले सकता है। बट 24B में कोई चेंजेस नहीं आए, 24B में कोई चेंजेस नहीं आए, मतलब ये है कि जो लिमिट थी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, एक घर के लिए लिमिट क्या थी सर, 2 lakh, एक 30,000 की लिमिट होती है, 2 lakh की लिमिट होती है, ठीक है। तो वो जो लिमिट है, एक घर की भी लिमिट उतनी ही है और दो घर की भी लिमिट उतनी ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर दो घर की, एक घर की लिमिट 2 lakh मिल रही थी फर्स्ट की, तो सेकंड की भी 2 lakh, तो 4 lakh की डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एक घर के लिए भी आप, अगर मैं रीसेंट अमेंडमेंट के बाद बातें कर रहा हूँ असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, तो यहाँ पर 24B की लिमिट वही रहेगी 30,000 रिपेयर्स या मेंटेनेंस के लिए तो 30,000 की है, कंस्ट्रक्शन परचेज के लिए तो 2 lakh की है, बाकी भी कंडीशन है 5 साल की वगैरह की, तो मैं उसमें डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। तो 2 lakh वाली लिमिट ही फिक्स रहेगी, चाहे आप एक घर के लिए लीजिए तो भी 2 lakh है, और दो घर के लिए लीजिए तो भी 2 lakh की ही लिमिट रहेगी। पहले क्या होता था, आपने मुझसे पुराने प्रोविजन भी पूछे, तो पहले एक ही घर के लिए मिलती थी और वो लिमिट 2 lakh या 30,000 एज द केस में भी वही रहेगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट संडे को। आप मुझे क्वेश्चंस भेजते रहिए, इनकम टैक्स के भेजते हैं, अगर आपको GST में प्रॉब्लम हो तो यू कैन सेंड योर GST प्रॉब्लम्स एज वेल। नेक्स्ट संडे को दोनों ही प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।